के बाद स्वागत है दर्शकों। अभी एक खबर हमारे पास आई हुई है, यह घाट की खबर है, जो रेती का उत्खनन करने वाले घाट होते हैं उस घाट की खबर है। लगभग यह परसोड़ी करके घाट है, गांव है, यह परसोड़ी गांव की यह घटना है। जैसा कि यह जो गांव है साकोली तहसील के तहत आने वाला गांव है और यहां बड़े पैमाने पर रेत का उत्खनन किया जा रहा है। जैसा कि अभी आप जो कैमरे में आप जैसा अभी देख रहे हैं, हमारा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि जो ट्रैक्टर्स और जेसीबी जैसा आप अभी देख रहे हैं कि यह जो नदी का जो पात्र है उसमें से बड़े पैमाने पर दिन दहाड़े रेती का उत्खनन कर बेची जा रही है। यह जो पूरा जो मामला आप देख रहे हैं, यह वहाँ के गजानन पर्वते के नाम से एक व्यक्ति है जो उसी गाँव का रहने वाला है और वह बड़े पैमाने पर यह रेत की तस्करी करता है और बेरोक टोक तरीके से। यानी उनका कहना ऐसा है कि जब हमने यह पूरे मामले पर जब हमने उससे फोन पर संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि मैं तहसीलदार जो है साकोली के उनका हिस्सा और साथ ही साथ वहां के जो थाने प्रभारी है उनका हिस्सा और सभी लोगों का हिस्सा मैं बराबर पहुंचा देता हूं और मेरे को कोई रोक नहीं सकता, ऐसा गजानन पर्वते का कहना था। लेकिन यह पूरे मामले पर जब हमारे कैमरामैन की टीम वहां जब पहुंची और उन्होंने जब देखा तो लगभग करोड़ों रुपए की रेत की जो तस्करी है वो वहां से की जा रही है और दिन दहाड़े। हालांकि अभी एक कुछ दिनों पहले ही हमने एक मामला इसी संदर्भ पे उठाया हुआ था, यह घाट पर रेती डंप करके रखी गई थी और उसको उन्होंने उसकी जो रॉयल्टियां जो बची थी, जो बची रेती थी वो ले जाने की उन्हें परमिशन मिली थी, लेकिन उन्होंने वो परमिशन जो डंप की हुई रेती थी वह न ले जाते हुए डायरेक्ट तौर पर उन्होंने नदी से ही रेती ले गए थे। अब जब सारा मामला पूरा इस तरीके का था कि जो गजानन पर्वते है यह बड़े पैमाने पर रेत की तस्करी करता है, जो कि लगभग साकोली में एक बड़ा ब्रिज का काम चल रहा है और वहाँ वो सप्लाई करता है और उसके खुद के टिप्पर है और ट्रैक्टर्स है और जेसीबी है, उनकी सहायता से यह स्वयं ही वहाँ से बड़े पैमाने पर सरकारी खजाने को सेंध मारने का काम कर रहा है। जब हम इससे संपर्क करते हैं तो उसने हमें बताया जो जानकारी जो दी थी तहसीलदार और जो थाना प्रभारी की, वह जब हमने थाना प्रभारी से इस संदर्भ में बात की तो थाना प्रभारी का कहना था कि मैं इस पर जल्द से जल्द एक्शन लूंगा और ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब हमने तहसीलदार से इस संदर्भ पर जानकारी ली तो तहसीलदार ने हमारे फोन को ही उठाने से मना कर दिया, यानी हम उन्हें कॉल कर रहे थे लेकिन कॉल कुछ उनका लग नहीं रहा था। जैसा कि अभी आपको जो देख रहे हैं कि किस तरीके से रेत का उत्खनन हो रहा है और यहाँ से बड़े पैमाने पर रेत ले जाई जाती है। जो गजानन पर्वते नामक व्यक्ति है इसके ऊपर ऑलरेडी कई मामले भी दर्ज हो चुके हैं, इसके पहले भी इसकी गाड़ियां पकड़ाई गई जा चुकी है, इसके पहले भी यह रेत के मामलों में कई बार जेल की हवा खा चुका है, लेकिन ऐसे जो लोग होते हैं यह कभी सुधरने का नाम नहीं लेते। सरकार ने सख्त से सख्त इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसी वहां के जो स्थानीय नागरिक है गाँव वाले है उनका भी कहना है। दर्शकों को फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का, ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें, बने रहिए एमएनएस न्यूज़। एमएनएस न्यूज़ देखो सोना चांदी जी दो। सोमवार से रविवार में बताए जाने वाले न्यूज में पूछे गए 3 सवाल का सही जवाब भेजे और सोना चांदी जी दे। मोबाइल से व्हाट्सएप नंबर पर अपना सही जवाब टाइप करें MDSCJ और पूछे गए सवाल का सही जवाब इस नंबर पर भेजे 9552838179।